ॐ गणगणपताय नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। आज एक पीपल के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बनाकर महालक्ष्मी का की आराधना करने के बाद कम से कम 11 बार सिंदूर का टीका लगाएं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। एक बार वापस सुन लीजिए, शुक्रवार है आज। पीपल का पत्ता धोकर अच्छी तरह से सिंदूर का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर सिंदूर से 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार टीका लगाइए तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अपने आप बनेगी। आज शुक्रवार है, 4 मार्च 2016, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पूर्व अछाड़ा नक्षत्र है। राहु काल 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक आज भी थोड़ा रेस्टलेस महसूस करेंगे क्योंकि मंगल के साथ में जुड़ी हुई आपकी राशि है और मंगल की राशि वृश्चिक में शनि और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। कोई भी कार्य करें संभल कर करें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें और व्यापारियों से अनुरोध है कि रिस्क मत लें। शेयर मार्केट में भी काम करने वाले लोगों से अनुरोध है कि मार्केट जिस तरह से उठी है कभी भी कहीं गोता खाएगी तो नुकसान करके जाएगी। आज का दिन 40 से 50% उत्तमता भरा। लाल रंग का उपयोग करें, महालक्ष्मी की आराधना करें और 3 नंबरों का उपयोग करें। अगली राशि वृष राशि। शुक्र की अपनी राशि, शुक्र का अपना घर, महालक्ष्मी और 9 देवियाँ और शुक्र, इनकी पूजा आज के दिन होती है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो दैत्य नाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दैत्यों के भी परम गुरु हैं और सारे शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं, इसलिए आज आपको जो भी कार्य करेंगे शुक्र उपस्थित है, फेवरेबल। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें बुद्धि का इस्तेमाल बहुत करेंगे, वाणी का इस्तेमाल बढ़िया होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, हर कार्य में सक्षमता सफलता एंड ऐश्वर्य प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर आज का शुक्रवार महालक्ष्मी की कृपा से 80% उत्तमता भरा। नारंगी कलर का इस्तेमाल और भाग्य अंक है 8। अगली राशि मिथुन राशि। बुध भी अनुकूल बैठा हुआ है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, लॉजिस्टिक के जो व्यापारी हैं, एफएनओ के व्यापारी हैं, उनको बहुत ही लंबा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोशिश करें अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। समय समय पर पेट तकलीफ देता है, पीठ तकलीफ देती है, अदरवाइज व्यापार में दिन उत्तमता भरा। 80 से 85% लाभकारी दिन। सफेद रंग का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 6। आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा धनु राशि में, आपकी राशि का स्वामी। देखिए, यह गणित समझ लेना बहुत जरूरी है। चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर चुका है और वातावरण आपके पक्ष में अपने आप होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपकी शादी के उम्र है तो शादी होने के योग है। अगर आपका नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिलने के योग हैं, यानी नौकरी और शुक्री दोनों मिलते हुए दिखाई देती है। इसलिए माँ महालक्ष्मी की आराधना करने के लिए समुद्र तट पर हाजी अली को मत्था टेक के आइए और साथ में महालक्ष्मी को मत्था टेकिए। सुंदर लाभ के योग, 80 से 85% लाभकारी दिन। नीले रंग का उपयोग और भाग्य अंक है 4। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, जो भी आपकी राशि के स्वामी हैं उसकी महत्ता बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पर बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण गणित है, हर आदमी के समझ में आने वाला कार्यक्रम हम कर रहे हैं राज ज्योतिष, इसलिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, साथ में केतु बैठे हुए हैं, थोड़े दिनों के बाद शुक्र बैठ जाएंगे। इन सारे ग्रहों की जो तासीर है, जो क्वालिटीज़ है, जो प्रभाव है, वो देखने जरूरी है। इसलिए आपकी राशि में केतु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है,
मंजे आपकी राशि का स्वामी जो है वो सूर्य और केतु के साथ कुंभ में बैठा हुआ है, तो आत्मा को असुरक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। पेट भरा होगा तो भी भूख लगेगी। पिता, पति और अपनी तीनों की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य आत्मा भी है और पिता भी है, केतु साथ में बैठा हुआ है और बैठे भी शनि के घर में, इसलिए दुर्घटना से बचें, व्यापार में भी और गाड़ी चलाते समय भी। कुल मिलाकर 30-40% उत्तमता भरा दिन। और राजनीतिज्ञों से अनुरोध है कि अपना जो अपना हर बोल है तोल मोल कर बोलें, हरे रंग का उपयोग करें ताकि मन शांत रहेगा। और भाग्य अंक है 5। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। माहौल बहुत ही सुंदर बना हुआ है, शिक्षकों को, इंजीनियर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, और कहीं ना कहीं जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, विशेषतर होलसेल का काम जो भी आप लोग करते हैं, चाहे वो दाल है, आटा है, चावल है, गेहूं है, मसाले हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर लाभ बना हुआ है। कन्या राशि वालों को कोई वजीफा मिल सकता है। आज का दिन कुल मिलाकर 80% उत्तम तबरा, हरे रंग का उपयोग करें, भाग्य अंक है 12। अगली राशि तुला राशि। देखिए सारे सती का ध्यान रखना पड़ेगा, मगर शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं, इसलिए आज का दिन आपका बहुत ही लाभकारी है। दिन की शुभता कैसी है कि आपने दिन शुरू किया और फोन आने शुरू हो गए कि आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये आपकी डील हो गई है, कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में हो गया है। मगर हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम क्रम भजन ध्यान जो लावे, तब भी दिन 70% उत्तमता भरा। पर्पल कलर का इस्तेमाल कर लें और भाग्य अंक है 3। आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। देखिए शनि और मंगल की युति थोड़ी सी अंगारक होती है, क्रोध के ऊपर ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान रखें, किसी से झगड़ा मत करें। पेट की आग ठीक करने के लिए कोशिश करें कि त्रिफला का इस्तेमाल करें। समय आपका थोड़ा सा वॉलेटाइल है, रिस्क वाले काम मत करिए, किसी को जामिन दे मत, किसी के फायदे के लिए उल्टे सीधे वचन मत दें। कुल मिलाकर हर चीज़ से हर तरफ से ध्यान रखें, मगर कहीं ना कहीं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई फायदे के योग भी बनते हैं, इसलिए 50% उत्तमता भरा दिन, स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लीजिए, भाग्य अंक है 12। अगली राशि धनु राशि की। गुरुदेव की अपनी राशि है, साढ़े सती जरूर लगी हुई है, मगर धन लाभ के योग बने हुए हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बने, नए कार्य शुरू हो रहे हैं आज आपके, कोई नया काम शुरू करेंगे उसमें धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक कोई ऐसी डील होगी जिसमें आपको कमीशन मिल सकता है। रियलिटीज़ के काम करने के लिए, शेयर मार्केट के काम करने वालों के लिए, ब्रोकर्स के लिए दिन अति उत्तम, लाइजनिंग का भी लाभ मिलेगा। 60-65% उत्तमता भरा दिन, भोलेनाथ की आराधना करें, साईं बाबा की कृपा से आपका अच्छा दिन चल रहा है। पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 6। आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात करते हैं। हर चीज में धन लाभ के योग, चारों दिशाओं से लोग जय जयकार करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, और विशेषतर राजनीतिज्ञ लोग जो हैं, संगठन चलाने वाले लोग, चैरिटी का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुंदर दिन। महालक्ष्मी की आराधना करते रहिए, ओम महालक्ष्मी नमः। और आज जुम्मा भी है, इसलिए मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि जुम्मा की नमाज बिल्कुल पढ़ें, फजर की नमाज ज़रूर पढ़ें, और डेफिनेटली आपको धन लाभ के योग बनेंगे। मकर राशि वालों को चैरिटी करनी चाहिए, 100 लोगों को खाना खिलाना चाहिए, 90% उत्तमता भरा दिन, डस्की ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 5। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए कुंभ राशि में ये गणित समझ लें, कुंभ राशि में सूर्य और केतु पहले से बैठे हुए हैं,
बुध प्रवेश कर चुका है, फिर शुक्र प्रवेश करेगा परसों। तो ये गणित समझने के लिए आपको बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। और सूर्य और केतु ग्रहण लगाते हैं। शनि के की राशि में सूर्य मन को असुरक्षित करता है, पिता की सेहत को ख़राब करता है, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं बुध जो है वहाँ पर बैठा हुआ उछाल लाता है, शुक्र धन लाभ के योग लाता है। तो इसलिए अपनी सेहत का, पिता की सेहत का ध्यान रखें, धन लाभ के योग जरूर बने हुए हैं। एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लियर है, इसलिए बोलता रहता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठें। कुल मिलाकर आज का दिन मिश्रित फल लेकर 60% उत्तमता भरा, स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 11। तो आइए अब बात करते हैं अगली राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम दिन है, गुरु की कृपा बनी हुई है, साई की कृपा बनी हुई है, भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है। देखिए, अगर आप इंजीनियर हैं जिनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, सर्जन है कैंची है, और कलाकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर दिन है। वातावरण आपके पक्ष में बना हुआ है, सोच समझ कर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें धन लाभ मिलेगा। चैरिटी करें, भोजन के लिए आप लोगों को भुलाकर उनको भोजन करवाइए। कुल मिलाकर 80% उत्तमता भरा दिन, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 4। तो ये थी 12 राशियां और 9 ग्रहों का फलादेश। कल शनिदेव की कृपा से आपके समक्ष इसी जगह इसी समय फिर हाजिर होता हूं। तब तक हरिओम।